बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज कॉन्सेंट्रिक टू सर्कल पार्ट ए, 2x² + 2y² + 16x - 6। इसका कॉन्सेंट्रिक है मतलब दोनों का रिक्वायर्ड सर्कल और गिवन सर्कल इक्वेशन का गिवन सर्कल का सेंटर सेम है, इसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं, और वाई एक्सिस को टेंजेंट हो। दूसरी कंडीशन में कॉन्सेंट्रिक को इस सर्कल को हो, ये गिवन सर्कल है और ये रिक्वायर्ड सर्कल है, और टेंजेंट टू दिस लाइन हो, इस लाइन की टेंजेंट हो, रिक्वायर्ड सर्कल। और तीसरी कंडीशन में कॉन्सेंट्रिक टू दिस सर्कल एंड इज टचिंग दी एक्स एक्सिस, वो सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ये तीनों पार्ट्स ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए बी में सॉल्व की है, ए बी सी में, और वीडियो यहाँ अटैच की है, तो आप लोगों देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज कॉन्सेंट्रिक टू सर्कल 2x² + 2y² पार्ट नंबर ए, 2x² + 2y² + 16x - 7y = 0। ये हमारे साथ ये गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल कॉन्सेंट्रिक टू रिक्वायर्ड सर्कल एंड टेंजेंट टू वाई एक्सिस। टेंजेंट टू वाई एक्सिस ये गिवन सर्कल और रिक्वायर्ड सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेम सेंटर है। अगर इसका सेंटर मैं मालूम कर लूँ तो इसका सेंटर और रिक्वायर्ड सेंटर सर्कल का सेंटर सेम होगा। तो पहले मैं इसका सेंटर मालूम करता हूँ, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, डिवाइड बाय 2, तो x² + y² + 8x - 7/2 y = 0। कंपेयर विद इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, कंपेयर विद इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसमें हमारे साथ 2g बराबर है 8 का, मतलब g बराबर है 4 का, और 2f बराबर है -7/2 का। सो दिस इम्प्लाइज दैट f = -7/4। सो सेंटर -g व -f = सेंटर, माइनस और जी की वैल्यू 4 है और एफ की वैल्यू -n - 7/4, तो +7/4 आ जाएगा। एक माइनस ये है और एक माइनस एफ का माइनस है, तो -4 व 7/4। ठीक है, अब टेंजेंट टू वाई एक्सिस है, टेंजेंट सर्कल जो है वो टेंजेंट टू वाई एक्सिस है, मतलब इस तरह है वाई एक्सिस को टेंजेंट है। तो इसका सेंटर हमारे साथ ये एक्स होगा, -4 हमारे साथ इसका रेडियस होगा, माइनस नहीं हो सकता, मतलब इसका रेडियस होगा -4 modulus = 4। तो रेडियस भी मालूम है, सेंटर भी मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे साथ है x - h² + y - k² = r². तो x - h की वैल्यू हमारे साथ है -4² + y - k की वैल्यू है 7/4² = r की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर। तो x + 4 होल स्क्वायर + y - 7/2 होल स्क्वायर = 16, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी है x² + y² कॉन्सेंट्रिक विद x² + y² - 8x + 4 = 0। x²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड टेंजेंट टू द लाइन एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट टू द लाइन एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले में कॉन्सेंट्रिक है, ये गिवन सर्कल है और रिक्वायर्ड सर्कल इसका कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेम सर्कल है, सेंटर है, तो इसका सेंटर मैं मालूम करता हूँ। कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका सेंटर 2g हमारे साथ बराबर होगा माइनस एट का, इसका मतलब ये कि g हमारे साथ माइनस फोर है और 2f y इसमें नहीं है तो 2f ज़ीरो के बराबर होगा, इसका मतलब f ज़ीरो है। तो सेंटर माइनस g व माइनस f इज इक्वल टू सेंटर माइनस g, माइनस और g की वैल्यू फोर है। ठीक है, और ये हमारे साथ ज़ीरो, जी की वैल्यू माइनस फोर है तो माइनस माइनस फोर, तो सेंटर आ जाएगा आ गया फोर व ज़ीरो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है कि टेंजेंट टू दी सर्कल टेंजेंट टू दी ये पॉइंट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह है, ये सर्कल है। ठीक है, और ये सर्कल इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को टेंजेंट है एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स, एक्स प्लस टू वाई इसका इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इस लाइन का, और सेंटर हमारे साथ है फोर व ज़ीरो, फोर व ज़ीरो मतलब कि इस पॉइंट, ये पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे साथ आर है, तो इसका फार्मूला हमारे साथ है एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका फार्मूला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉडुलस डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये डी हमारे साथ क्या है, ये असल में आर है, ए हमारे साथ वन है, इस इक्वेशन से ए वन है, बी टू है और सी सिक्स है, और एक्स वन वाई वन, एक्स वन हमारे साथ फोर है और वाई वन हमारे साथ ज़ीरो है, तो ए एक्स वन, ए की वैल्यू है वन एन टू फोर प्लस बी की वैल्यू है टू एन टू वाई वन ज़ीरो है प्लस सी की वैल्यू है सिक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ए हमारे साथ है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अंडर द रूट, तो आर हमारे साथ आ जाएगा फोर, फोर प्लस सिक्स से टेन आता है, टेन डिवाइड बाई अंडर द रूट फाइव, टेन डिवाइड बाई अंडर द रूट फाइव। ठीक है, तो रेडियस हमारे साथ बराबर है टेन डिवाइड बाई अंडर द रूट फाइव का, या हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे साथ सेंटर भी मालूम हो गया, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x माइनस एच हमारे साथ फोर है प्लस वाई स्क्वायर क्योंकि k ज़ीरो है इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर हमारे साथ है टेन डिवाइड बाई अंडर द रूट फाइव होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन, टेन ज़ार हंड्रेड डिवाइड बाई फाइव, फाइव वन ज़ार फाइव, फाइव ट्वेंटी ज़ार हंड्रेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी से आता है माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्सेंट्रिक विद सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टेन वाई प्लस थर्टी थ्री
इज इक्वल टू जीरो एंड इज टचिंग द एक्स एक्सिस. टचिंग द एक्स एक्सिस. ये सर्कल, ये गिवन सर्कल और रिक्वायर्ड सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेम सेंटर है. तो इससे मैं सेंटर मालूम करता हूँ. कंपेयर विद द इक्वेशन एक्स, कंपेयर विद द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो टू जी बराबर है सिक्स का, इसका मतलब है कि जी हमारे साथ बराबर है. सिक्स बाई टू से थ्री आता है और टू एफ बराबर है माइनस टेन का. तो एफ हमारे साथ आता है माइनस फाइव. सो सेंटर माइनस जी व माइनस एफ बराबर है सेंटर माइनस थ्री और फाइव का. माइनस फाइव है और एक माइनस ये है, तो सेंटर थ्री और फाइव आ गया. अब इसका रेडियस हमारे साथ इस एक्स एक्सिस को टच करता है, किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है. तो इसका जो रेडियस है वो वाई के बराबर होगा. इसका जो वाई पार्ट है ये वाला, तो रेडियस हमारे साथ फाइव के बराबर होगा. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो एक्स माइनस एच हमारे साथ माइनस थ्री है, तो एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ तक भी काफ़ी है और आप मज़ीद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसी के साथ पार्ट नंबर सी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर नाइन